तैयार हो जाइए नए हफ्ते के पूरे एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, लेकिन लॉकडाउन खुलने और वापस अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेतों के दम पर एसजेएक्स निफ्टी में है दमदार तेजी। मजबूत शुरुआत के बाद और कितना बढ़ेंगे, यह है इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से जानेंगे कि आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इतनी सारी खबरें आई हैं जीडीपी को लेकर, मॉनसून को लेकर, ऑटो बिक्री नतीजे, काफ़ी सारे ट्रिगर्स रहेंगे, ग्लोबल क्यूज भी मिले जुले हैं, तो उस पर भी बात करेंगे अनिल जी से और समझेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आने वाले हफ्ते के लिए। तो अनिल जी, ये सब इस सब पर चर्चा करें, इससे पहले बता दीजिए आज के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं सर? लॉकडाउन 5.0 नहीं, अनलॉक 1.0, ये है आज का सबसे बड़ा ट्रिगर। इकोनॉमी को खोलने के सरकार के फैसले से बाजारों में आज मूड और माहौल चुस्त दुरुस्त है। हफ्ते की पहले दिन तो सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे अपने घरेलू बाजारों से आता हुआ दिख रहा है। इसी के दम पर एसजेएक्स निफ्टी आपको दिख रहा है दमदार 1.5% मजबूत। जीडीपी ग्रोथ हालांकि 40 तिमाहियों के सबसे कम लेवल पर पहुंची, लेकिन फिर भी उम्मीद से बुरी नहीं। उम्मीद थी कि कमजोरी रहेंगे और आंकड़े वैसे आते हुए दिखे हैं। अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है उसको लेकर ट्रंप साहब ने किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया और ये राहत की बात है दुनिया भर के बाजारों पर। बाकी ट्रिगर्स में आज कैबिनेट की बैठक है, देखते हैं वहाँ क्या कुछ होता है। ऑटो कंपनियों के आंकड़े खराब ही रहने वाले हैं। नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन नहीं है, आज कोई भी एक भी वायदा कारोबार का शेयर का रिजल्ट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक रिजल्ट जो वीकेंड पर आए इन पर हम आज रिएक्शन देंगे और कल के आने वाले रिजल्ट की भी करेंगे तैयारी। तो ये है आज का भरपूर एक्शन दीप। बिल्कुल अनिल जी, और मॉनसून आज केरला के तट पर पहुंच जाएगा। अनुमान है कि इस साल भी भारत के लिए अच्छा मॉनसून रहेगा, 100% लॉन्ग टर्म एवरेज। आज मुंबई में भी ओवरकास्ट कंडीशन है और एक साइक्लोन भी आ रहा है, तो वो भी एक क्यू है जिस पर नज़र है सर। पर जो सबसे बड़ी बात है सर, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। लॉकडाउन 5.0 नहीं, अब अनलॉक 1.0 कैसे देखें सर? लगभग नौ हफ्ते के बाद हम देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन खुल रहा है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में ही लॉकडाउन रहेगा, बाकी जगह काफी सारी ढील दी जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर इस डेवलपमेंट को? दीप, इसे हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी जैसे देखना चाहें वैसे देख ले। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव है तो बहुत कुछ पॉजिटिव नज़र आएंगे, और लगेगा कि अभी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव भी उतने ही दिखेंगे। पॉजिटिव उसकी बात करते हैं पहले। अच्छा क्या है? अच्छा सबसे बढ़िया तो नाम है, लॉकडाउन 5.0 नहीं है, अनलॉक 1.0। तो सबसे पहले तो नाम से ही आपको है ना आधा सेंटिमेंट ठीक हो जाता है कि चलिए हम खुल रहे हैं, बंद वाली चीज़ों को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, और वाकई में खुलने की कोशिश भी है। कोशिश ये है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं भी जा सकते हैं, अब आपको किसी तरह के पास की ज़रूरत नहीं है। आने जाने पर जो प्रतिबंध है, अब वो अलग बात है कि जो इसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में भी बता देता हूँ ताकि ये ठीक रहेगा। तो पहली चीज़ ये कि हम अनलॉक 1.0 है, लॉकडाउन 5.0 नहीं है, लेकिन जो अनलॉकिंग की बात हो रही है साथ ही आप 30 जून तक वैसे पूरा लॉकडाउन है कंटेनमेंट जोन में और रात का कर्फ्यू है, तो ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरह से खुले हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। अब आइए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की आपको छूट है आवाजाही की, लेकिन वो राज्यों के ऊपर है वो अलाउ करें या ना करें। तो बात उतनी है कि जिन राज्यों को डर रहेगा कि बाहर से कोरोना आने की संभावना है वो अपना अपना डिसीजन खुद लेंगे, और जैसे महाराष्ट्र में भी है अभी भी वो अप्रूवल नहीं है। तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह है। तीसरी चीज़ ये कि जो कुछ ओपनिंग हो रही है वो उन तमाम जगह हो रही है कि जहाँ पर दिक्कतें कम हैं, जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर अभी भी नहीं है। तो आज मुंबई और दिल्ली, जब तक ये दो शहर पूरी तरह से नहीं खुलते हैं तब तक आर्थिक गतिविधियाँ पूरी ट्रैक पर आना मुश्किल है, और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन सबसे ज़्यादा है। तो एक तरफ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर रेड जोन वाले जो भी इलाके हैं उन्हें भी खोलने की सरकार कोशिश कर रही है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपका कंटेनमेंट जोन भी अभी लॉकडाउन में है। तो आप, वही मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों तरह से देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है और कुछ चीज़ें जस की तस है। नाइट कर्फ्यू आपका 30 जून तक रहेगा, तो पॉइंट सिंपल है, लेकिन बात वही है, मार्केट इस वक्त आगे की सिचुएशन को देखता है। आगे की सिचुएशन में ये साफ नज़र आ रहा है कि सरकार खोलने को लेकर प्रतिबद्ध है, आर्थिक गतिविधियों को वापस ट्रैक पर लाना चाहते हैं। ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में किया जा रहा है। अब चैलेंज और चुनौती यही है कि जब हम ये खोलने की बात कर रहे हैं तो हम इसे कितना सक्सेसफुली खोल पाते हैं और कितना हम डिसिप्लिन के साथ इसे खोल पाते हैं कि कोरोना
कंट्रोल से बाहर निकले ना, तो अब चैलेंजेस ज़्यादा हैं। एक तो ये कि संक्रमित लोग ऑलरेडी पहले से ज़्यादा हो चुके हैं तो रिस्क आपकी बढ़ी जाती है, और दूसरा ये कि जब आप खोल रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में जब मूवमेंट लोगों का बढ़ेगा तो ऐसे में संक्रमण होने के चांसेस जो बढ़ते हैं उससे सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन के बजाय अनलॉक शब्द का प्रयोग किया गया है। इंटेंशन खोलने का है, इंटेंशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ट्रैक पर लाने का है। जो अभी भी मुश्किल वाली चीज़ें हैं, मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन्स वाली जो ये सारी चीज़ें हैं, पब्लिक प्लेसेस, मंदिर मस्जिद वगैरह, ये सब खुलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और वो सही भी है। लेकिन जैसे जैसे एक्टिविटीज फिर से ट्रैक पर आएगी, ये मुझे लगता है कि ओवरऑल इसे सेंटिमेंट के लिहाज से आप पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, तो सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव ही मानकर चलना चाहिए जिस तरह से अब अनलॉक की बात की जा रही है। तो सर, इस पर मार्केट इंपैक्ट को लेकर सवाल था, और दो तरह से मैं इस सवाल को पूछना चाहूंगा। एक तो ग्लोबली हमने देखा है कि जैसे जैसे बाकी देशों की इकोनॉमीज ने अपने आप को अनलॉक करा है, वहां पर रैली आई है। सबसे बड़ा केस है अमेरिका, यूरोप के बाजारों में भी रैली चल रही है। अनलॉक से जो सेंटिमेंट बूस्ट हुआ है उसकी वजह से मार्केट में रैली आ रही है। तो क्या भारतीय बाजारों में भी ऐसे एक्सपेक्ट करना चाहिए? पिछले हफ्ते भी हमने ये रैली आते हुए देख ली थी। पर दूसरी तरफ से अगर मैं ये सवाल पूछूं सर, तो जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 24 मार्च को, उस दिन मार्केट ने बॉटम आउट कर दिया था। तब से अब तक 2000 पॉइंट की रैली आ गई निफ्टी से। तो अगर जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस किया था उस दिन बॉटम आउट हुआ है, तो क्या जिस दिन अनलॉक आ रहा है वहां से फिर टॉपिंग आउट के संकेत लेने चाहिए? दीप, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। और आसान ये कि जब मार्केट बॉटम आउट हुआ तो उस दिन लगता नहीं था कि बॉटम आउट हो गया है, और अगर आज टॉप आउट होना है तो आज कोई नहीं कह सकता कि टॉप आउट हो सकता है, क्योंकि आज सेंटीमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस दिन बॉटम बना उस दिन सेंटीमेंट सबसे ज़्यादा खराब था, राइट? 23-24 मार्च को 7,500-7,600 पर जब हम थे तब कोई नहीं कह सकता था कि ये बॉटम है। और हाँ, ये ज़रूर है कि तब भी हमने कहा कि सबसे बड़ा इंस्टॉलमेंट आपका पैसे का 30-40% आज जाना चाहिए, लेकिन वो भी 30-40%, 100% तो आप कहीं नहीं। सिमिलर सिचुएशन में आज जब आप 23-24 मार्च को जब आपने लॉकडाउन लगते हुए देखा और तब जब बॉटम बना, वहां से आप 2000 पॉइंट ऊपर हैं आज, और एक नॉन स्टॉप अच्छी तेजी बनी है। बीच में खाली ये अप्रैल का महीना तो अच्छा था ही, मई का महीना छोड़ दें जहां पर थोड़ी सी फर्स्ट हाफ में कमजोरी दिखी और उसके बाद में रिकवरी आई। और एक चीज और बताऊं कि जब हम कह रहे थे कि सेल इन में गो अवे, तो उसके बाद 10-11% निफ्टी करेक्ट भी हुआ। 9,900 के आसपास के लेवल से 8,800 तक आया, 1,100-1,000 पॉइंट की कमजोरी भी हुई। और ऐसे देखें आप, जैसे वो फुटबॉल का मैच होता है ना, तो अल्टीमेटली महीने दर महीने या सीरीज दर सीरीज आप नीचे ही बंद हुए हैं, पॉजिटिव बंद नहीं हुए, जो कि आपकी 30 अप्रैल की क्लोजिंग थी 9,859 की, वहाँ से आप 31 मई को नीचे बंद हुए हैं। दूसरा, मैच के स्टेटिस्टिक्स आप देखते हैं तो आंकड़ों में एक चीज़ ये होती है कि किसने कितने गोल किए, और दूसरा किसने कितने देर तक बॉल अपने पोजीशन में रखी। तो भले ही आखिर के 3-4 दिनों में काफ़ी मजबूती से बाजार ऊपर आया मई के महीने में, लेकिन अगर बॉल पोजीशन के लिहाज से देखें तो ज़्यादातर बॉल बैट्स के पोजीशन में रही है मई के महीने में। और हम यही कह रहे थे कि मई का महीना न अप्रैल वाला है न मार्च वाला, एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफा होगा, दोनों तरफा होता हुआ दिखा। और मेरा स्ट्रांगली अभी भी यही मानना है दीप, कि जून का महीना भी ऐसा ही होने वाला है जहां आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। अगर आप ये सोचें कि जून के महीने में एक तरफा तेजी होगी तो शायद गलत है, अगर आप ये सोचें कि एक तरफा मंदी होगी तो वो भी गलत है। हाँ, रेंज शिफ्ट हो सकती है बाजार की, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको मौके जून में भी दोनों तरफ मिलेंगे। और उस हिसाब से आपको अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना होगा कि आप अगर पहले मजबूती होती है तो आप प्रॉफिट बुक करके इंतज़ार करेंगे, और अगर मई की तरह पहले कमजोरी होती सीरीज की शुरुआत में तो निचले स्तरों से खरीदेंगे। तो दोनों तरह के ट्रेड इस महीने भी मिलेंगे और उसकी हमें तैयारी करनी है। जहाँ तक टॉप आउट होने का सवाल है, कहना मुश्किल है क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट मजबूत है, फ्लो स्ट्रॉन्ग है, बाजार बुरी खबरों पर रिएक्शन नहीं दे रहा है, अच्छी खबरों पर दे रहा है। और सेंटिमेंट सुधारने के लिए आज से अगर आपको चाहिए तो मैं ढेर सारी अच्छी खबरें बता सकता हूँ। पहली अच्छी खबर तो यही है, थोड़ी देर में हम ग्लोबल मार्केट्स डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छी खबरें वहाँ से भी आ रही है। तीसरी अच्छी खबर मानसून को लेकर है, मानसून वक्त पर आ रहा है, हो सकता है अगले 2-3 दिनों में मुंबई थाने में तो भारी बारिश की भी चेतावनी है। उसके अलावा आप देखिए, कंपनियों के रिजल्ट्स में कहीं कोई झटके नहीं लग रहे हैं क्योंकि लोगों ने पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर लिए, वो एक अच्छा संकेत है ही। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े 11 साल के सबसे खराब होने के बावजूद उम्मीद से खराब नहीं है। तो मतलब आप अच्छी चीज़ें देखना चाहें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में जिसके दम पर बढ़ सकता है, और शायद बाजार इसीलिए निचले स्तर से 2000 पॉइंट ऊपर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉप है।
अपसाइड अभी भी बन सकती है। तो ऐसे में जिस सवाल का जवाब आपका है कि क्या जब 23-24 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था तब बॉटम बना, तो आज लॉकडाउन खुलने पर टॉप बन सकता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं। लेकिन एक चीज़ का जवाब मेरे पास है और वो ये कि टॉप बना या नहीं बना, इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, वो है ट्रेलिंग स्टॉप। एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर बाजार जाकर बंद होता है तो आप मान लीजिए टॉप होगा, टॉप बन चुका है। डीप वो मैं एकदम साफ सुथरा एकदम क्लियर कट आपको लेवल दे रहा हूँ, 9375। अगर 9375 के नीचे निफ्टी क्लोज देना शुरू करे तो आप ये मान सकते हैं एक बार की कि टॉप शायद बन चुका है और वापस आप एक हल्का करेक्शन 8800-9000 तक दे सकते हैं, फिर वहाँ से रिव्यू करेंगे। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, बजाय इसके कि हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि टॉप या बॉटम कहाँ है, बेहतर ये होगा कि आप रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करें। और फिर मैं ये कहूँगा कि जून के महीने में आपको इस रेंज में दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। अपसाइड कितनी हो सकती है, अगर इस सवाल को आप पूछना चाहते हैं तो 9850-9900 ये पहला अपसाइड का रेंज है जहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसके पार निकले तो 10,000 से लेकर 10,200 की रेंज। फिलहाल मैं उसके ऊपर की अपसाइड जून में नहीं देख रहा फिलहाल, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है कि भाई 500 पॉइंट निफ्टी दो दिनों में बढ़ जाए, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी दो दिनों में बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वो रिस्क हमेशा रहेगी, लेकिन फिलहाल जो लेवल्स हैं 9850-9900 ये ऊपर का लेवल है, बहुत हुआ तो 10,000-10,200, और अदरवाइज देखते हैं 9375 के स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम तेज़ी में बने रहेंगे। बिल्कुल, तो नज़र रहेगी जहाँ तक सवाल है आज के मार्केट एक्शन का और किस तरह से जून में मार्केट एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। चलिए बात कर लेते हैं सर एक और, क्योंकि जो कि ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। शुक्रवार को डर था कि ट्रंप साहब का बयान था चीन को लेकर, वहाँ पे कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे, बट निवेशक एक्चुअली काफ़ी खुश है कि कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए गए, यूएस चाइना ट्रेड डील पर कोई असर नहीं है, शायद हांगकांग के स्पेशल स्टेटस को लेकर कुछ बदलाव आ सकता है। ये धमकी पहले भी आ चुकी है, अब देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा एक्शन आता है, पर ज्यादातर सिर्फ धमकियां दी गई हैं चीन के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस समय ट्रंप साहब। इसको किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में भी इस अनाउंसमेंट के बाद रिकवरी आती हुई देखी सर? देखिए, एक्शन लेने की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे खाली उम्मीद भी यही थी कि भला बुरा कहेंगे, क्योंकि एक्शन क्या लेंगे। अब अमेरिका से खुद श्री ट्रंप साहब से अमेरिका तो ढंग से संभल नहीं रहा। आप देखिए 20 से ज़्यादा शहरों में वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, काले और गोरों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं वहाँ पर, दंगे जो हो रहे हैं, हम मतलब आप कहते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में वो कहता है ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है, खुद अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है, मतलब बहुत सिचुएशन ख़राब है। पहले से कोरोना तो उनसे संभल नहीं रहा, अभी भी कोरोना के आंकड़ों में कहीं कोई साइजेबल कमी आई नहीं है। मतलब पॉइंट ये ना कि वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आपकी इमोशंस ही खत्म हो गए। आपने मान के रख लिया कि मेरे यहाँ रोज 20-25,000 कोरोना के मरीज आएंगे, रोज 2,000-2,000 मरेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ और इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह की सेंस आपको अमेरिका से मिलती है, उसके ऊपर आपके दंगे, तो क्या वो पहले अपना घर संभालें या चीन से लड़ें? तो हाँ, ये जरूर है कि भला बुरा तो कह ही सकते थे, लड़ने की तो मुझे वैसे भी उम्मीद कमी थी, लेकिन हाँ मैं ये जरूर हम डर था, उम्मीद से भी ज़्यादा आशंका से भी ज़्यादा डर था कि कहीं ऐसा कह दे तो कम से कम ट्रंप साहब ने ये परहेज किया कि सीधे सीधे चीन पर आक्रमण नहीं बोला है शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे लगता है यही एक बड़ी रिलीफ की बात है कि कम से कम वो अटैक खुलकर नहीं कर रहे हैं और अभी के लिए उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनका कोई भरोसा है नहीं। देखो दीप, वो कभी भी जब उनके मूड के हिसाब से डाओ के सपोर्ट लेवल पर अच्छा बोल देंगे, डाओ के रेजिस्टेंस लेवल पर खराब बोल देंगे, वो होने वाला है, हमेशा होने वाला है, कब होगा कैसे होगा देखने वाली बात है। लेकिन पॉइंट सिंपल है, अमेरिका में अच्छी चीज़ों के मुकाबले में बुरी चीज़ें ज़्यादा हो रही है, लेकिन बाजार का सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फंडा है, लिक्विडिटी है, पैसा है, डॉलर है, खरीदो, हर डिप पर खरीदो और वो मार्केट मजबूती को रखे हुए हैं। अदरवाइज अमेरिका में जिस तरह के अंदर के हालात हैं, क्या तेजी बन सकती है? कोई सवाल नहीं। लोग आपने देखा होगा तस्वीरें वीकेंड पे, किस तरह से लुई वीतों के शोरूम से लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं, शटर खोल खोल कर मास्क लगा के घूमते हैं, पकड़ने का डर रहा नहीं। मतलब ये इस तरह की वो क्या कहते हैं अराजकता वाली सिचुएशन है, बड़ी मतलब विचित्र स्थिति है, बहुत तकलीफ वाली है। लेकिन आप देखिए, जो देश अपने आप को सबसे सिविलाइज मानता है दुनिया में, वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है, सोचिए।
बिल्कुल अनिल जी, और बल्कि आज सुबह तो खबर भी आ रही थी कि वॉशिंगटन जो कि अमेरिका की कैपिटल है, जहां पर व्हाइट हाउस है, वहां पर प्रोटेस्ट की वजह से कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो वो सिचुएशन गंभीर है, पर हाँ चाइना को लेकर कुछ अहम क्यूज नहीं आए, तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में एक रिलीफ रैली आई है। चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात करें तो ग्लोबल की तो हमने बात कर लिया, उसको आपने न्यूट्रल रखा है, बाकी संकेत कैसे दिख रहे हैं सर? अच्छा, ग्लोबल न्यूट्रल इसलिए रखा है कि जो हांगकांग बढ़ा हुआ है इतना, 700 पॉइंट से ज़्यादा हांगकांग अपनी वजहों से बढ़ा हुआ है, और बाकी बाजार मिले जुले से हैं, न बहुत तेजी में न बहुत मंदी में, और डाउ फ्यूचर्स भी हल्के से पॉजिटिव हुए निचले स्तरों से। तो हमारे एसजेक्स निफ्टी जो आज 150 पॉइंट ऊपर है, ये क्रेडिट हम सारी की सारी हम अपनी लेंगे, ये इम्पोर्टेड तेजी नहीं है, ये हमारी अपनी तेजी है, हमारे अपने संकेतों पर ज़्यादा है। उन संकेतों में एक तो ये कि FIIs की तरफ से पॉजिटिव आंकड़े हैं बड़े दिनों बाद, उसके साथ साथ घरेलू फंड्स की तरफ से बड़े पॉजिटिव आंकड़े, तो दोनों की तरफ से पॉजिटिव आंकड़े हैं, और इसका मतलब क्लियर कट है कि शॉर्ट जो हैं पोजीशंस वो ट्रेडर्स की हैं, बड़े इन्वेस्टर्स थोड़े से सीरीज की शुरुआत में लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए दिखे हैं, और डीपी अच्छा है। लेकिन हाँ, वायदा कारोबार के आंकड़े मैंने कोशिश रखे, आगे विस्तार से बताऊंगा, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है आज के लिए। रेंज पर आ जाते हैं, 9375 9500 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा, और आपके सवाल का जवाब ये कि जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक आप ये मानकर चलें कि टॉप नहीं बना है। टॉप बनने के बाद पता चलेगा, पहले नहीं बता सकते कि इस लेवल पर बन जाएगा, बनने के बाद जब रिवर्स होता है तब पता चलता है। 7510 से रिवर्स हुआ तो पता चला कि 7510 पर बॉटम बना है, उस दिन नहीं बोल सकते आपके आज बन गया। वैसी भविष्यवाणी करना डेटा के बेसिस पे संभव नहीं है, एस्ट्रोलॉजी शायद कोई जानता हो तो कर ले, अलग बात है, पॉइंट सिंपल है। तो 9375 9500 ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको तेजी में रहना है, और तब तक आपका टॉप भी नहीं बना। 9725 9850 आज के लिए हायर जोन है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी 18725 18825 मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा अब, और ऊपरी स्तर पर 19900 से 20100 ये हाई रेंज होगा। याद है जिस दिन वित्त प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, उस दिन आपने नेक्स्ट डे 20122 का हाई बनाया था, तो लगभग लगभग उस रेंज पर जाने की कोशिश हो सकती है। 9580 का हाई उस वक्त निफ्टी ने बनाया था, जिसको आपने शुक्रवार को ही पार कर लिया और वहीं पर आपने क्लोज दिए, लेकिन बैंक निफ्टी उस लेवल से अभी भी थोड़ा सा दूर है, 600 पॉइंट 800 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी उस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। यह है आपके लिए बड़ी रेंज दीप, और जो आज की रेंज है वो भी मैं आपको लगे हाथ दे दूं, 9575 9725 आज की छोटी रेंज मानकर चलिए, 9500 9800 आज की मीडियम रेंज मानकर चलिए, और 9475 से 9850 ये आज की बड़ी रेंज आपके लिए होनी चाहिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 19300 19700 ये छोटी रेंज है, 19150 19900 ये आज की मीडियम रेंज है, और 18800 से 20100 ये है लगभग 1200-1300 पॉइंट की रेंज निकल कर आती है, लेकिन इस वक्त बड़े मूव्स की संभावना बनेगी, सीरीज की शुरुआत है, इसलिए आपको बड़ी रेंज पर भी नज़र रखनी है। ये आपके लिए सारे लेवल संदीप। बिल्कुल, तो काफ़ी अहम लेवल्स हैं जो अनिल जी ने आपको दे दिए रेंज के हिसाब से, हिस्टोरिकल मूवमेंट के हिसाब से, रीसेंट रेफरेंस के हिसाब से। सर, PCR 1.61 पर आ गया है, इसको कैसे देखें? विक्स में तो खैर ज़्यादा बदलाव नहीं है, बट PCR 1.61 सर अलर्ट रहना चाहिए दीप हायर लेवल पर, क्योंकि देखिए ये पुट कॉल रेशियो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बाजार हल्के से ओवरबॉट हैं, और अगर आप 1.75 के आसपास 1.7 रहे, फर्ज करें आज 150-200 पॉइंट निफ्टी बढ़ और जाता है, तो आप 1.75 के आसपास पुट कॉल रेशियो पे पहुंच जाते हैं, तो फिर वो लेवल आपके खरीदारी के नहीं होंगे, वहां से आपको 100-150 पॉइंट का निफ्टी पर करेक्शन मिले फिर एंट्री कीजिए। तो आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ बेच के भाग जाना है कि भाई पुट और PCR इस लेवल पर आ गया, लेकिन आपको सावधान तो रहना पड़ेगा कि किस लेवल पर आपको खरीदना है। तो अगर पुट कॉल रेशियो आपको इंट्राडे में हायर लेवल पर मिल जाए तो फिर आप हल्की सी पोजीशन वहां पर प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर जो फ्रेश पोजीशन बनानी है उसके लिए इंतजार करें। हाँ, इसके साथ में ये जरूर हो सकता है कि इंडेक्स आपको थमता हुआ दिखे हायर पुट कॉल के बेसिस पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको तेजी का और बढ़ता हुआ दिख सकता है, और उस लिहाज से आपको फोकस फिर इंडेक्स से स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट कर लेना चाहिए, ये आप जरूर कर सकते हैं। तो और विक्स 30-22 पर है, 1% बढ़कर आया, इसमें कोई खास बदलाव नहीं। जी दीप, बिल्कुल, तो अलर्ट रहना चाहिए जिस तरह से पुट कॉल रेशियो के संकेत आ रहे हैं। सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तेजी की मंदी की, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए आज?
देखिए एक ही स्टॉप लॉस है दीप, जिनके तेजी की पोजीशन है 9475, सिंपल इतना ही रखिए, इस स्टॉप लॉस से आपका काम चल जाएगा और इसके अलावा जरूरत नहीं इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया है 19150 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, इस पर आप फोकस करिए। अब आइए शॉर्ट पोजिशन, 9600 के ऊपर खुलेंगे और ऊपर खुलते फिर आपको शॉर्ट नहीं रहना है, सिंपल है, काट लेना है अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है। 19,500 पिछले हफ्ते का निफ्टी बैंक निफ्टी का हाई लेवल है, उसके ऊपर खुलेंगे शॉर्ट काट लीजिए, सिंपल है। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 9600 और 19,500 का आप क्लोजिंग बेसिस पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस के लेवल बहुत क्रिस्टल क्लियर है दोनों, ऊपर और नीचे के। दीप इसमें जो बंसल जी बोलते ना कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, हेर फेर नहीं, एकदम स्टॉप लॉस के लेवल वैसे ही क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट है, कोई छेड़छाड़ नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोनों तेजी के लिए भी और मंदी की पोजीशंस के लिए भी। नई पोजीशंस कैसे बनाए जाए सर? खरीदे निफ्टी 9575, स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है कल की क्लोजिंग का, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेंचुरी मार्के तो कम से कम ऊपर खुलेगा ही, और ऐसे में आपको 9575 के स्टॉप के साथ खरीदारी करनी है। 9650 पहला लेवल शायद वहीं पर खुलता हुआ दिखाएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है 9725 के आसपास खुल सकता है, ये आपके लिए लेवल होगा। 9800-9850 अगले दो लेवल होंगे जिसके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। अब जो बिकवाली करना चाहते हैं वो कहाँ करें, अगर 9725 पर ही खुलता है तो वहाँ बिकवाली ना करें, अगर 9650 पर खुलता है और वहाँ से 75 पॉइंट की तेजी और बनती है। दीप देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर 9650 पर खुलता है और 75 पॉइंट की तेजी शॉर्ट कवरिंग की वजह से, खरीदारी की वजह से और बनती है, तो आपको 9725 के आसपास सोचना है कि मैं शॉर्ट कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन अगर खुलता ही 9725 के आसपास है तो वहाँ पर शॉर्ट नहीं सोचना है, शॉर्ट करने के लिए बेस्ट लेवल तो 9850 ही है वैसे देखा जाए तो। लेकिन अब ये कि 9850 नहीं आया और घूमा तो आप जो चांस लेना चाहते हैं आपको पोजिशनिंग ओपनिंग के हिसाब से करनी है और अपने रिस्क के हिसाब से। समझिए आप तीन लोट बेच सकते हैं तो 9725, इनफैक्ट एग्जैक्ट लेवल 9735 का होता है, मैंने राउंड फिगर पे 9725 लिखा है, तो एक वहाँ 9800 पर, दूसरा 9850 पर, तीसरा, ये इस तरह की स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन जो एकदम सेफ रहना चाहते हैं उन्हें 9850 के आसपास ही बेचना चाहिए, 9900 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा और 9700-9650 के टारगेट के लिए आपको करनी है निफ्टी में बिकवाली। बैंक निफ्टी खरीदें, क्लियर कट सिंपल स्टॉप लॉस है 19150, ऊपर का टारगेट 19650, 19750, 19900 और 20100, ये चार लेवल है जिसके लिए आपको बिकवाली करनी है। यहाँ पर भी मैं कश्मकश में था कि खरीदारी कहाँ करें, चूंकि आप 19300 के आसपास बंद हुए हैं, क्या 350 ऊपर 19650 ठीक है फिर लगा, नहीं 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 ये तो कम है, 19750 जहाँ 450 पॉइंट हो जाते, नहीं 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 थोड़ी रिस्क है, 19900 से 20000 ये बढ़िया लेवल है जो सेफ लगता है। अब आई डोंट नो वो आएगा कि नहीं आएगा आज की आज, लेकिन वो लेवल सेफ है जहाँ अगर आप बेचेंगे तो आप रिस्क में कम हैं। तो 19900-20000 ये मैं परफेक्ट लेवल है जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, 20000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है कॉल्स में, तो वहाँ पर आप इक्वाली कर सकते हैं। 20122 जैसा मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उसके नेक्स्ट डे का हाई 20122 है, उसके थोड़ा ऊपर 20150 पर स्टॉप लॉस रख लीजिए। 19750-19650 दो टारगेट के लिए बिकवाली आपको बैंक निफ्टी में वहाँ पर करनी है दीप। बिल्कुल, तो ये इस तरह आप नई पोजीशंस बना सकते हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग और शॉर्ट की। सर सेक्टर्स कौन से आपको आज फोकस में दिख रहे हैं? बैंक्स मजबूत लग रहे हैं, मेटल्स ठीक रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स के चलते, और फर्टिलाइजर्स जिस तरह से मॉनसून टाइमली आ रहा है और साथ ही RCF के रिजल्ट भी बढ़िया है, तो उसको देखते हुए फर्टिलाइजर सेक्टर आज मजबूत रह सकता है। वायदा कारोबार के बैन में कोई स्टॉक है नहीं सीरीज की शुरुआत में? बिल्कुल सर, तो सीरीज की शुरुआत में वायदा कारोबार में कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। सर अब क्यूज की बात करें तो जो वायदा कारोबार के क्यूज है वो आपने कॉशियस रखे हैं, और जो फंड फ्लोज हैं FIIs DIIs के दोनों के काफी पॉजिटिव आंकड़े आते हुए दिखे हैं फ्राइडे के सेशन में। सर अरे गजब खरीदारी की है भाई, पहले दिन सीरीज के FIIs ने 1460 करोड़ का तो स्टॉक कैश में खरीदे और 1375 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स पहले दिन खरीद लिए, यानी कि 2800-2900 करोड़ की स्टॉक्स में खरीदारी,
बढ़िए दीप, किसी भी लिहाज से बढ़िए भाई। तो फिर ये मई में किस चीज़ का इंतजार करें, समझ में नहीं आया। मतलब मई सीरीज में तो पहले दिन जून सीरीज के बढ़िया खरीदारी किए। अच्छा, घरेलू फंड ने भी 967 करोड़ की खरीदारी की है, 970 करोड़ के आसपास की, उनके भी आंकड़े बेहद दमदार है। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़ों की तरफ। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग आंकड़े दिखे मैं बता दूँ। पॉइंट नंबर वन, 9500 अब आपके लिए बेस हो जाएगा, और 9500 इसलिए बेस हो जाएगा कि आप 9500 के पुट पर 25 लाख शेयर हैं, कोल्स में 30 लाख शेयर हैं, अब आप उसके ऊपर खुलेंगे, ठीक है ना। तो 9500 के कॉल्स में जो वीकली सीरीज है उसमें 15 लाख है, मंथली सीरीज उसमें 15 लाख है, उसके ऊपर खुलेंगे 9600 के हुए ऊपर खुलेंगे, तो लगभग 30 लाख शेयर कॉल्स में ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं। अब है सीरीज के पहले दिन ही, तो इतनी काटने की जल्दी नहीं होती, और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि शॉर्ट करने वाले ढीट होते हैं, आसानी से नहीं खुद कट जाएंगे, लेकिन शॉर्ट जल्दी से काटते नहीं, तो और तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स डरपोक होते हैं, थोड़ा सा बाजार गिराने की उन्हें ऐसा डर लगता है कि बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा, बाजार बंद ही हो जाएगा, जल्दी से अपने लॉस बुक कर लेते हैं। ये दोनों की खासियत है कि मतलब जो मंदी करने वाले वो आसानी से झुकते नहीं है, और तेजी करने वाले बिल्कुल खड़े रहते नहीं है, और यही होता है। तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत सीरीज की शुरुआत है, सीरीज का अंत हो तो आपको काटने की जल्दी रहती है। तो हो सकता है 9500 के ऊपर हम टिके हुए हैं, उसके ऊपर बंदी, उसके बावजूद वहां पर ओपन इंटरेस्ट 30 लाख शेयरों का है, तो शायद शॉर्ट कटने में थोड़ा सा वक्त लगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप 9600 ये भी पार कर लेते हैं, तो फिर शॉर्ट्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर आपके कॉल्स में जो शॉर्टिंग है वो लगभग दीप आप समझिए 70-80 लाख तक पहुंच जाती है, तब फिर आपके लिए काटना जरूरी हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज डेटा में जो दिख रही है सीरीज के पहले दिन वो ये है, मतलब आज दूसरा दिन है, ये डेटा सीरीज के पहले दिन के, कि आपके लिए शॉर्ट पोजिशन पर आपके लिए नीचे का सपोर्ट है शॉर्ट्स की वजह से, तो बाजार ज्यादा गिर नहीं पाएंगे, जैसे थोड़ा नीचे गिरने के लिए आएंगे शॉर्ट कवरिंग आ ही जाएगी, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट है आपके लिए। और इसी के साथ एक चीज और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि चूंकि जब क्लोजिंग वाले वक्त हमने आपको कहा भी था कि 19,300 का बैंक निफ्टी का 19,500 का पुट ऑप्शन 275 रुपये में मिल रहा है बैंक निफ्टी का, वो ले सकते हैं आप। तो अगर आज सुबह गैप से खुले, या तो आप अपना पुट ऑप्शन जो आपने खरीदा है उससे एग्जिट कर लें। दूसरा तरीका दीप ये हो सकता है कि 19,500 यानी कि आपके लिए एक तरह से 19,775 के आसपास की आपकी शॉर्ट खड़ी हो जाती है, या तो 19,775 के ऊपर एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद लें, तो जितनी भी अपसाइड बनेगी आप फ्यूचर में हैज हैं। तो जो BTST के तौर पर 3:20 पर हमने कहा था 19,500 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय, तो वो उससे एग्जिट कर लें आज, चूंकि गैप से ओपन होता हुआ दिख रहा है। और जो अगर रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो सामने एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स खरीद लेंगे, तो अपसाइड में उनका लॉस बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ उन्हें ये पोजिशन फिर होल्ड करके चलनी पड़ेगी कम से कम गुरुवार तक, ये ध्यान में रखें। तो ये आपके लिए अपडेट। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 20,000 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी पर, और वो इसलिए कि 4 लाख शेयर वीकली और 2 लाख शेयर मंथली, 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 20,000 के आसपास अब वो हम 19,900 पर रुकते हैं या 20,100 पर रुकते हैं ये कहना मुश्किल है। 20,000 के 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर में कहीं कहीं बाजार रुकना चाहिए, बैंक निफ्टी रुकना चाहिए, और वो लेवल अच्छे होंगे जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करें और एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट पोजिशन भी बनाएं। अब आप कहेंगे ये तो 600-700 पॉइंट ऊपर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मोमेंट है कोई बड़ी बात थोड़ी 500-700 पॉइंट किसी भी वक्त खींच दे। जहां आप बहुत सारी बुरी खबरों का डर था शुक्रवार को, उनके मुकाबले में बुरी खबरें लगभग नहीं के बराबर हैं, और अच्छी खबरें थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही, तो आज फिर से एक रिएक्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत गैप से खुले तो फिर थोड़ा ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और उसकी वजह एकमात्र है जो मैंने आपको सुबह ही बता दिया, पुट कॉल रेशियो 1.61 हायर लेवल पर है, और बहुत गैप से खुले तो ऊपर के लेवल पर खरीदना नहीं है, ये मान के चलिए, सिंपल। ओके सर, तो बहुत अगर ऊपर के गैप से खुले तो फिर खरीदारी मत करिए, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दीजिए, बट ये कुछ आपके लिए अहम संकेत हैं, क्यूज हैं, लेवल्स हैं जो आपको नजर रखने चाहिए आज के एक्शन के लिए। कुछ स्टॉक्स की बात भी करते हैं सर, अमर राजा, इसके बारे में आपने पहले भी बात करी हुई थी, इनके नतीजे आए, कैसे देख रहे हैं सर इन नतीजों को? नतीजे उम्मीद के मुताबिक है दीप, बहुत अच्छे नहीं और बहुत खराब भी नहीं, मुनाफा एग्जैक्टली जो हम उम्मीद कर रहे थे 137 करोड़ वही आया है, मार्जिन 15.5% के आसपास जो हम उम्मीद कर रहे थे वही आया, रेवेन्यू थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर आया है, और मार्केट का मूड बहुत अच्छा है, तो ऐसे में हो सकता है स्टॉक ऊपर खुल जाए या खुलकर ऊपर जाने की कोशिश करें। हमने 630 का स्टॉप लॉस दिया था, और वैसे तो ये भी कहा था कि अगर जिनको रिस्क कम रखनी है तो वो शॉर्ट काट के भी जा सकता है, लेकिन हाँ इसमें कोई डाउट नहीं कि मंडे को गैप से ऊपर या नीचे खुल सकता है, ये
रिस्क है। तो अब मैं ये कहूँगा कि नीचे सपोर्ट जो है अमर राजा में वो 590-600 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाएगा। ऊपरी स्तरों पर 650-655 की रेंज बनती है जहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो आपको करना ये 625-630 के ऊपर खुले या उसके ऊपर लॉस बुक कर लीजिए। और अगर आपको अपनी प्राइस के आसपास थोड़ा नीचे मिले तब तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स है, जितने ख़राब सोचे थे उतने भी नहीं है और अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट के मूड के साथ। अगर मार्केट खराब होता तो नीचे खुल जाता, लेकिन चूंकि मार्केट का मूड काफ़ी अच्छा है तो आप 625 का स्टॉप लॉस रख लीजिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, और इस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। बिल्कुल, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और 625 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए। यह है अनिल जी की राय अमर राजा पे। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और आज का स्टॉक ऑफ द डे है RCF, जिसे हम पहले भी कई बार रिकमेंड कर चुके हैं समय समय पर। मालामाल वीकली में भी आपको याद होगा कि इस स्टॉक में हमने कहा कि वैल्यू बहुत है, जबरदस्त है, एसेट्स वैल्यू बहुत है। अब पता नहीं कब मोनेटाइज होगी, अब तो खैर लॉकडाउन वाले मामले के बाद तो अब लैंड मोनेटाइजेशन तो मतलब बहुत दूर की कौड़ी दिखती है, लेकिन फिर भी कंपनी में वैल्यू बहुत है। और वैल्यू के साथ साथ अब जो रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, बेहद दमदार रिजल्ट्स हैं। फिर मॉनसून आपका समय पर आ ही रहा है और अच्छा आ रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते लगता है कि यहाँ पर से RCF में एक तेजी बन सकती है। डर एक ही है कि बहुत गैप से ना खुल जाए, बस 44 और 47 दो टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। बहुत ज़्यादा गैप से ना खुले, 3-5% तक गैप से खुले तब भी आप ले सकते हैं। 39.50 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी करनी है। 40 पर खुला है, 42-42.5 तक खुले तब तक तो रिस्क नहीं है, वहाँ तक तो ले सकते हैं। अगर सीधा ही 44 खुले तो फिर देखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर 4-5% ऊपर खुले तब भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत मजबूत है, हम कई बार रिकमेंड कर भी चुके हैं। और फर्टिलाइजर स्पेस में सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया स्टॉक ही RCF है, और हमने इसलिए मैक्सिमम टाइम RCF ही रिकमेंड किया। यहाँ से भी तेजी बन सकती है। बिल्कुल, तो फर्टिलाइजर स्पेस का सबसे मजबूत स्टॉक RCF, अच्छे नतीजे हैं, अच्छे ट्रिगर्स आ रहे हैं, इसके लिए खरीदारी करिए स्टॉक ऑफ द डे में। चलिए अब जान लेते हैं कि बाकी कौन से स्टॉक्स पर आपको आज फोकस करना चाहिए और ब्रोकरेजेस का फोकस आज किधर है। देवांशी, पूजा और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ ऐसी अहम अर्निंग्स जो बाजार बंद होने के बाद आई हैं वीकेंड पर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो आज से शेयर बाजार में जो नए मार्जिन्स हैं पर लॉट वो आज से लागू हो जाएंगे वायदा बाजार में, इस पर नजर रखें। और साथ ही जो रिजल्ट्स हैं कैश मार्केट में, उस पर वेल्सपन एंटरप्राइज, वीगार्ड, श्री कलाहस्ती पाइप्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और बिरला केबल्स, ये सारे नंबर्स हैं जिस पर नजर रहेगी। वायदा बाजार में जिसके नंबर्स आए थे मार्केट्स बंद होने के बाद, उसमें वोल्टास था, नंबर्स अनुमान से थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। अब देखिए जो आय है करीब 1.5% तक बढ़ती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफे में 30% तक की बढ़त आते हुए दिखी है। साथ ही मार्जिन आप देखिए 7% से बढ़कर 9% पर आते हुए दिखे, और साथ ही जो मुनाफा है वो करीब 12% तक बढ़ता हुआ दिखा है। NCC यहाँ पे भी आप देखिए जो नंबर्स हैं वो अनुमान से हल्के से बेहतर आते हुए दिखे, कुल आय करीब 35% तक गिरी है, और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो 30% तक कम होते हुए दिखे, अनुमान करीब 35-40% का था। साथ ही अगर मार्जिन्स पर आप नजर करें 11.5% से बढ़कर करीब 12-13% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, और जो मुनाफा है वो करीब 37% तक गिरा है। इक्विटास होल्डिंग्स इस बार जो कुल आय है 31% तक बढ़ती हुई दिखी है, अन्याय इस बार 18% कम हुई है, और इसके चलते जो मुनाफा है इस पर असर आती हुई दिखी है, 60% तक इसका मुनाफा कम होता हुआ दिखा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इस तिमाही में हल्के से कमजोर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, जो आय है करीब 2.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही अब देखिए जो कामकाजी मुनाफा है वो 10% कम हुआ है इस तिमाही में, और मार्जिन पर इम्पैक्ट हुआ है, 28% से मार्जिन कम होकर करीब 25% के करीब कंपनी मार्जिन क्लॉक इन किए हैं, और जो मुनाफा है वो भी 55% तक घटता हुआ दिखा है। इनका ये मानना है कि अप्रैल में आय सामान्य से करीब 40% तक घटती हुई दिखी है, अब आगे चल के थोड़े से नॉर्मलाइज होती हुई दिख सकती है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेस नंबर्स इस बार काफी मजबूत आए हैं, आप देखिए इनका जो फार्मा कारोबार है, रेडियोलॉजी कारोबार, यहाँ से काफी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय एकदम फ्लैट है इस बार करीब 2400 करोड़ के लेवल्स के पास, लेकिन कामकाजी मुनाफे में 65% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए करीब 14% से बढ़कर 22% पे कंपनी क्लॉक इन किए हैं, और जो मुनाफा है वो इस बार 260 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 100 करोड़ के घाटे के सामने, तो इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं।
एमसीएक्स कंसोलिडेटेड नंबर्स बेहतर लग रहे हैं, जो आय करीब 33% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 60% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है। अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए दिखे थे और इसके चलते मार्जिन्स भी आप देखिए 32% से बढ़कर 39% पे आते हुए दिखे और मुनाफे में 7.5% तक की तेजी आती हुई दिखी है। पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पे भी नंबर्स इस बार थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिखे हैं। आय 16% तक बढ़ती हुई दिखी, अनुमान से थोड़ी सी ज्यादा। कामकाज मुनाफा 19% बढ़ा है और जो मुनाफा है वो 35% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन भी आप देखिए 10% के सामने 14% पर कंपनी क्लॉकिंग किए हैं। और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नंबर्स काफी मजबूत है। आप देखिए जो आय है उसमें करीब 31% तक की मजबूती आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 36% बढ़ता हुआ दिखा है और मार्जिन आप देखिए 23% पर कंपनी क्लॉकिंग किए हैं 22% बढ़कर। आखिर में जी शिपिंग नंबर्स काफी कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय 3% बढ़ी है लेकिन कामकाजी मुनाफा इस बार काफी ज्यादा घटता हुआ दिखा है। 414 करोड़ के सामने केवल 166 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी क्लॉकिंग किया है। मार्जिन भी 42% थे, वहां से घटकर करीब 16.5% के मार्जिन कंपनी क्लॉकिंग किए और घटा है 50 करोड़ का 150 करोड़ के मुनाफे के सामने। तो इन ऑल नंबर्स काफी कमजोर है दीपांशु। बिल्कुल, तो भरपूर नतीजे हैं और ऐसी कुछ और नतीजे और खबरें हैं पूजा के पास। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, शुरुआत आईडीबीआई बैंक के नंबर से करते हैं। नंबर्स अगर बाकी बैंकों के कंपेयर करें तो थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। वजह है ब्याज से आए जिसमें कि 50% की ग्रोथ देखी गई है और क्योंकि कोर इनकम अच्छी थी इस वजह से प्रोविजनिंग में जो 3 गुनी बढ़त देखी है हमने उसका भी असर कंपनी के मुनाफे में नहीं पड़ा। और सालाना आधार पर देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में कमी भी देखी गई है। एफएल इंडिया, यहां पर नतीजे मिले जुले नजर आ रहे हैं। आय में 24% की बढ़त इस तिमाही देखी गई है। इसके अलावा कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो फ्लैट रहा है और मार्जिन में अगर देखेंगे तो वो कमी इस बार देखी गई है। मुनाफे में मामूली 5% की बढ़त। तो एफएल इंडिया के नंबर्स मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। कावेरी सीड्स के नंबर्स भी अच्छे हैं। ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आई है और आय में 15% की बढ़त इस बार देखी गई है। वी मार्ट रिटेल, इस बार भी कंपनी ने बड़ा घाटा दर्ज किया है करीब 8 करोड़ का और आय में भी करीब 3.5% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। तो कमजोर नंबर्स वी मार्ट रिटेल के और एवरेस्ट के भी जो नंबर्स हैं वो कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। आय में 21% की गिरावट दर्ज हुई है और इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है करीब 3 करोड़ का। कुछ और खबरों की बात करेंगे तो अदानी पावर पर नजर रखिए। 3 जून को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर विचार किया जाएगा। एक्सिस बैंक, खबर आ रही थी कि बैंक कैपिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकती है लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आया है और इस खबर का कंपनी ने बैंक ने खंडन किया है। डॉक्टर रेड्डीज, यूएसएफडीए ने श्रीकाकुलम प्लांट की जांच खत्म की है और जांच में कंपनी को EIR मिला है यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है। तो डॉक्टर रेड्डीज पर इसका एक रिएक्शन देखने की उम्मीद है। और आखिर में IRCTC पर भी फोकस रखिए। आज से मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होंगी जिसमें कि टिकट बुकिंग के लिए 120 दिन का जो बुकिंग विंडो है वो फिर से खुल जाएगा। तो IRCTC भी आज फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर। अब देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस का फोकस आज किधर है FIR में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए कि नतीजों के दम पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले आप देखिए वोल्टास, यहाँ पर नतीजों पर 3 रिपोर्ट आई हैं और सबसे पहले रिपोर्ट देखिए क्रेडिट स्वीस की आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लग जो है 725 से घटाकर 650 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नतीजे तो काफी बढ़िया देखने को मिले थे, एसी सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली लेकिन क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो बिक्री का नुकसान हुआ है जिसके चलते इन्होंने जो EPS का अनुमान है इस वित्त वर्ष के लिए उसमें 9% की कटौती की है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 519 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 615 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये भी मान रहे कि जो नतीजे वो बढ़िया देखने को मिले थे। MCX के नतीजे आए थे, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि नतीजे तो बढ़िया देखने को मिले थे लेकिन खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं मैनेजमेंट की तरफ से।
मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है लुपिन पर, एंड लुपिन पर अगर आप देखें तो परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली तो पॉजिटिव है लेकिन क्रेडिट स्विस जो है वो थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 761 से बढ़ाकर 1016 रुपए कर दिया है। ये कह रहे हैं नतीजे जो है अनुमान से बढ़िया देखने को मिले थे, लेकिन फ्लिप साइड अगर आप इसका देखें तो क्रेडिट स्विस ने तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, आउट परफॉर्म से रेटिंग बदलकर अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 690 से बढ़ाकर 820 कर दिया है। लेकिन मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी भी जो लक्ष्य दिया इन्होंने वो करंट मार्केट प्राइस से कम है। ये कह रहे कि जो सेक्टर है इसमें कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, कुछ अहम दवाई है इनकी जहां पर कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। अमारा राजा बैटरीज के नतीजे आए थे, नतीजे जो है लगभग बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले थे। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं करीब 780 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि कंपनी की ज्यादातर आय जो है रिप्लेसमेंट सेगमेंट से आती है, इसके लिए आगे के आउटलुक को लेकर ये जो अपने रेटिंग है उसे बरकरार रखे हुए हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो नतीजों पर आई हैं। बिल्कुल, तो नतीजों पर कई सारी रिपोर्ट्स हैं। अन्य स्टॉक्स की बात करें तो फिर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? अंशु कॉन्कर पर नजर रखेंगे आज, क्योंकि रिपोर्ट आती हुई दिखी है और यहाँ पर जो है जो रिपोर्ट है उसमें रेटिंग दी गई है और यहाँ पर कहा जाए कि जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने की योजना है सरकार की वो काफी ज्यादा पॉजिटिव मानी जाएगी। और लेकिन जो स्टॉक में हाल ही के दिनों में गिरावट देखी जा रही है जिसके चलते इन्हें स्टॉक पसंद आ रहा है और लक्ष्य जो है 450 से बढ़ाकर 475 कर दिया है और यहाँ पर रेटिंग में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेस्ले पर रिपोर्ट आई है, नेस्ले पर जो लक्ष्य दिया गया है करीब 16,500 रुपये का लक्ष्य दिया है, लेकिन मौजूदा दाम से अगर आप देखें तो अभी कम है ये, फिलहाल CLSE की रिपोर्ट है और अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैल्यूएशन जितने महंगे हैं जिसके चलते जो अपसाइड है उसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे, इसके लिए नेस्ले पर एक नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स। आइए अब करते हैं हमारे मेहमानों का स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। स्वागत है आप सबका और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुणाल जी आपके साथ, बताइए आपका पिक ऑफ द डे बाय सेल क्या है आज के लिए? अनिल जी सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग और दीपांशु जी को भी गुड मॉर्निंग। और अनिल जी खरीदारी की मेरी राय है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को मैंने चुना है अनिल जी, और स्टॉक का नाम है टिमकेन इंडिया, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमने शुक्रवार के ट्रेड में देखा था। मुझे लगता है कि आज भी इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, तो टिमकेन इंडिया को खरीदने की मेरी राय है। यहाँ पर 835 रुपए पर 835 पर स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है कि 885-900 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो 885-900 के लक्ष्य के लिए बाय करना है टिमकेन इंडिया। ओके, बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी हम तो अपनी पिक शुक्रवार को ही दे चुके हैं, तो वही रिपीट कर रहा हूँ। ONGC दिया था हमने चलते चलते, देने के बाद 2 रुपए बढ़ा था, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें और गिरावट पर ही खरीदें। स्टॉप लॉस 77, टारगेट 87 पहला और दूसरा टारगेट 91। ये स्टॉक कौन सा? लेकिन स्टॉक ONGC। ओके, ONGC में खरीदारी करने की राय। ओके, यहाँ पर 80 टारगेट, एक बार बंसल जी टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बोलिए जरा। अनिल जी 77 रुपीज, 77 रुपए का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 87, 87 रुपए पहला टारगेट, 91, 91 दूसरा टारगेट। ओके, 91 का दूसरा टारगेट। वागल साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर आपकी पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशो गुड मॉर्निंग, मेरी बाय कॉल है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। फ्राइडे को भी मैंने ये कवर किया था दोपहर में, मुझे लगता है मोमेंटम है, आज टारगेट आ जाना चाहिए, 1450 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट आज के लिए 1500 का है। ओके, 1500 के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय है पिडिलाइट में। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक्स कौन सी है? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, पूरे तरोताजा होके आए हैं और मॉर्निंग सर हमारी जो जूम की मीटिंग थी, जूम की पार्टी थी, उसके बाद और भी अच्छी पिक्स लाने की कोशिश करेंगे अनिल जी, एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, काफी मोटिवेटेड हुए उस पूरी मीटिंग में। एंड देखिए RCF आपने बोल दिया और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा गैप अप खुलेगा, क्योंकि
खास बात यह कि देखिए आरसीएफ 47 करोड़ तो देखियो मार्च से कंपेयर करो तो ठीक है, जून का महीना पिछली बार पिछले साल -8 करोड़ का था, फिर 22 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर के क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिया था मगर माहौल बहुत खराब था मार्केट का और धीरे धीरे मतलब चीजें सही नहीं जा रही थी, फरवरी मार्च खराब गया, बट इस बार बहुत बड़ा थम्स अप दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत पीटा हुआ स्टॉक है। तो आरसीएफ मुझे लगता है देखिए तो चलेगा, पिक ऑफ द डे में इसको ले नहीं ले चलेगा क्योंकि ये गैप अप खुलेगा तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा रुक के लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करके लेंगे। दूसरा जीएनएफसी मैंने काफी बार रेकमेंड किया हुआ है और इस बार जो 20 आत्मनिर्भर शेयर्स दिए थे अनिल जी उसमें मैंने जीएनएफसी को लिया था क्योंकि मैंने जब इसकी बैलेंस शीट को देखा तो इसमें केमिकल्स का भी कंपोनेंट है, आईटी का कंपोनेंट है, फर्टिलाइजर्स में भी है और ये भी अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है ऊपर के लेवल से। और आरसीएफ के साथ हमेशा वो प्रॉपर्टी वाली और लैंड मोनेटाइजेशन जो कि आप सुबह आज बहुत बढ़िया से बोल चुके कि पोस्ट वो इतना नहीं होगा कोविड, बट मुझे लगता है जीएनएफसी कैन बी अ वेरी गुड बेट। एक ग्राइनवेल नॉर्टन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अगेन जिस तरीके से कुणाल जी ने आज टिमकेन इंडिया दिया है, एक ग्राइनवेल नॉर्टन बहुत बढ़िया लग रहा है। और लास्ट वीक जो बाजार अगले हफ्ते में जो 3 पिक्स मैंने दी थी उसमें एआईए इंजीनियरिंग इंट्राडे पे दी थी, एमजीएल मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दी है और पॉलीकैब मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दी है, तो वो 3 पिक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपडेशन मैं अपडेट कर रहा हूं। बिल्कुल, तो काफी सारी रिकमेंडेशंस आ रही हैं जैन साहब की तरफ से और फर्टिलाइजर और रूरल प्लेस जैन साहब की पसंद है तो आरसीएफ जीएनएफसी उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन आ रही है और कई सारे और स्टॉक्स जिन पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स की जो आज एक्शन में रहने वाले हैं। जैन साहब, वोल्टास नतीजे अनुमान से बेहतर आए, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी, आपने कहा है कि एफएनओ स्टॉक है इसलिए आपको इसके अलावा जो बेटर ऑप्शंस है जैसे कि जॉनसन हिताची वो ज्यादा पसंद है, बट नतीजों के बाद कैसा देख रहे हैं? ऑलरेडी अच्छे मूवमेंट आए वोल्टास हैवेल्स जैसे शेयर में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको याद है जब वोल्टास का सवाल पूछा गया तो मैंने जॉनसन हिताची की बात की थी जो कि ऑलमोस्ट टारगेट अचीव भी हो गया था, 10-20 रुपए के लिए 2450 का हमने दिया था जो मॉर्निंग 10 की कमाई में दिया था। फिर मैंने वर्लपूल दिया था, मुझे वो भी बहुत बढ़िया लगता है, अंबर एंटरप्राइजेस भी मुझे ठीक लग रहा है। बट आज क्या है कि जिस तरीके से मार्केट में माहौल बना हुआ है तो सर्टनली देखिए ये जो एफएनओ स्टॉक्स है ये लोग फ्रंट रनिंग करेंगे और फ्रंट पूरी लीड ये लोग ही करेंगे और वोल्टास के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं और टाटा ग्रुप की कंपनी है और थोड़ा हाई बीटा नेम भी है तो मुझे लगता है कि ठीक है ये चल सकता अच्छा खासा। जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे और कहीं ना कहीं ऊपर आए अच्छे खासे उछाल आए तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करने में भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए ओवरऑल बहुत ज्यादा बुलिश होके बहुत एग्रेसिवली मैं तो अभी भी वोल्टास नहीं लूंगा, मैं वर्लपूल और हिटाची और इन्हीं के साथ ही जाना चाहूंगा और अंबर एंटरप्राइजेस वहां पे एक और स्टॉक दिखता है, एक मुझे एफएमईजी में पॉलीकैब मैंने ऑलरेडी रेकमेंड कर ही दिया। बिल्कुल, पॉलीकैब पहले भी रेकमेंड किया और पॉलीकैब के भी नतीजे आए थे और अच्छे नतीजे आए हैं पॉलीकैब के भी, कामकाजी तौर पे भी नतीजे अच्छे और मार्जिन्स में 4% का एक्सपेंशन आपने पॉलीकैब में देखा है तो वहां पर भी आज के ट्रेड में नजर रखें। सुमित बगड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो अपनी पिक ऑफ द डे बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, पिक ऑफ द डे में जो स्टॉक है वो फार्मा स्टॉक है डिवीज लैब। डिवीज लैब हमने पहले भी बहुत बार रेकमेंड किया हुआ है, डिवीज लैब हमें चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है और कल के सेशन यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिवीज लैब ने लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट अप मूव दिखाया है। स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे बेस बनाया है जिसमें 2250 से 2300 के आसपास का सपोर्ट है, तो 2300 के स्टॉप लॉस से डिवीज लैब में लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। आज मार्केट खुलने के बाद 2400 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है तो ऊपर के टारगेट बनेंगे 2470 से लेके 2500 रुपए तक के, 2470 से लेके 2500 के टारगेट्स के लिए डिवीज लैब में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। डिवीज लैब में खरीदारी करिए, यह है पिक ऑफ द डे सुमित जी की तरफ से। और काफी सारे और भी स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में हैं। डॉक्टर रेड्डीज आज फिर से खबरों में होने वाला है, श्रीकाकुलम प्लांट को EIR यानी कि USFDA की तरफ से ऑल क्लियर मिल गया है तो वहां पर भी आप भरपूर एक्शन देखने वाले हैं। और वैसे भी फार्मा स्टॉक्स हमने देखा फ्राइडे के दिन मार्केट की तेजी में, फार्मा स्टॉक्स की तरफ से भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन था। NCC इसकी भी बात कर लेते हैं, नतीजे वैसे तो कमजोर आए बट अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। वागले साहब, NCC पर कोई राय? थोड़ी रैली जरूर देखी थी पिछले हफ्ते इस स्टॉक में, क्या वो सस्टेनेबल लग रही है आपको? दीपांशु, मैंने पिछले हफ्ते में भी हम इस पे कमेंट दिया था कि हल्की सी अपमूव मैं देख रहा हूँ, अप टू अराउंड 24-24.50 आई थिंक 24.35 का हाई ऑलरेडी लगा है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा तो भी ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाएगा।
तो मेरे लिए ये फ्रेश बाय का कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी काफी वीक है, ये बाउंस बैक रैली है, 25-25.5 में ये रैली फिजल आउट होनी चाहिए। अगर ये 22 ऑन द डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर ये 18 रुपए तक भी जा सकता है। बिल्कुल, तो बाउंस बैक रैली है, सस्टेन नहीं कर पाएगी, वापस 18 रुपए तक जा सकती है। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुबह। जय, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी है? वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दीपांशु, फार्मा स्टॉक्स आपने सही कहा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छा मूव देखने मिला था और इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी को हमने रेकमेंड भी किया था और उसके टारगेट्स भी अचीव हुए। आज पिक ऑफ द डे में जो मैं बाय था वो कंडीशनल बाय है, वो है पीरामल एंटरप्राइज पे। ये मैं कहूँगा कंडीशनल बाय इसीलिए बिकॉज अगर आप देखिए दीपांशु, तो मैं कहूँगा लगभग 26 मार्च से, मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो रैली पहला बाउंस बैक आया था उसमें पीरामल एंटरप्राइज में बाउंस आया, उसके बाद तो ये कंटिन्यू साइडवेज ही चले गया। तो लगभग आज 2 महीने हो गए पीरामल एंटरप्राइज एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये रेंज में से बाहर नहीं आया। बाकी सारे काफी ऐसे स्टॉक्स में हमने देखा है कि सेकंड लेग ऑफ ओपनिंग भी स्टार्ट हुआ, पीरामल एंटरप्राइज में नहीं हुआ। मुझे लग रहा है अब होने जा रहा है इसमें, जो हिसाब से इसका सेटअप बना हुआ है। यू नो, इसका कंडीशनल बाय इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसके 980 एक लेवल है ऐसा दीपांशु, जिसके ऊपर इसमें क्लियरली एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा। 50 DEMA के ऊपर भी चले जाएगा ये स्टॉक और उसमें बहुत ही एक बढ़िया अपमो हमें देखने मिल सकता है। 980 के ऊपर पीरामल एंटरप्राइज को बाय करना है 980 के अबाउ, फिर उसका स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 950-30 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर में बनते हैं, पहला टारगेट जो है 1040 का बनेगा 1040, और दूसरा टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है दीपांशु है 1067 का। 1040-1067 के लिए पीरामल एंटरप्राइज 980 के ऊपर बाई करें, 950 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 950 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 980 के आसपास इस बार आप खरीदारी करिए, अच्छी मूव आ सकती है, फिर 1000 के लेवल भी क्रॉस कर सकता है पीरामल एंटरप्राइजेस। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर देते हैं इससे पहले कि प्री ओपन सेशन आए। कुणाल जी, MCX इसकी चार्ट देखिए, यहाँ पर क्या व्यू है? रेवेन्यू 33% बढ़ा है, मार्जिन में सुधार आया है, मुनाफे में भी ठीक ठाक बढ़त ही हुई है, अच्छे नतीजे आए MCX के। देखिए एक अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है दीपांशु। देखिए मुझे याद आता है कि 1150 के आसपास शायद संदीप जी ने रेकमेंड किया था, उस समय चार्ट पर भी एक ब्रेकआउट आया था और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी दिख रही है। मुझे लगता है कि 1400 के आसपास यानी कि 1380 के आसपास स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है, 1330 का भाव ऑलरेडी हो गया है, तो हो सकता है कि आज आपको और कुछ तेजी देखने को मिले। लेकिन मेरी राय में एक बार के लिए 1350 से लेकर 1380 के बीच में प्रॉफिट बांध लेने में भलाई है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी एक बड़ा रनअप आ चुका है और वो लेवल्स रेजिस्टेंस के हैं, तो उन स्तरों पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें, निचले स्तरों पर दोबारा खरीद के मौके बनेंगे, एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग की राय है MCX। ओके, एक बार प्रॉफिट बुक करें आप ऊपरी स्तरों पर और उसके बाद फिर से करें इंतजार खरीदारी करने का।